अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम एक बहुत यमी सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो मेरी बहुत फेवरेट है, और अगर आप अपने घर पर ट्राई करेंगे तो ये आपके बच्चों की भी मोस्ट फेवरेट रेसिपी हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें आधा कप तेल चाहिए। तेल गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम एक बड़े प्याज को जो स्लाइस में काटा हुआ था इसको डाल देंगे, और इसको हम फ्राई होने देंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसके अंदर हम एक चम्मच जो है ज़ीरा डालेंगे, और थोड़ा सा नमक डालेंगे या हसबे जायका नमक डालने या थोड़ा तेज़ डालने, क्योंकि आलू समटाइम जो है वो मीठे भी होते हैं। बस इसको हम भूनेंगे, प्याज और हल्की सी जो थोड़ी बहुत रह गई वो भी ब्राउन हो जाए। इसके अंदर फिर हम आलू डाल देंगे। ये चार आलू थे जो बॉयल भी मैंने किए हुए हैं और मैश भी किए हुए हैं, ठीक है। आलू डाल देंगे, और इसके अंदर बहुत कम स्पाइसेस डलते हैं, और इस रेसिपी की कुकिंग टाइमिंग जो है वो सिर्फ 15 मिनट है। इतनी झटपट बनती है और इतनी यमी होती है कि बस खाते जाओ। इसके अंदर हम लाल मिर्च डालेंगे, ये तकरीबन मैंने एक चम्मच डाली थी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम कर सकते हैं, वैसे एक चम्मच बिल्कुल इसमें जो है बिल्कुल सही रहता है। बस इसको डालेंगे हम, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसके अंदर ये ग्रीन चिलीज़ डाल दी थी मैंने, तकरीबन दो थी, लेकिन ये तेज़ वाली नहीं थी। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मत डालें, लेकिन इसके अंदर ग्रीन चिली और धनिया बहुत अच्छा टेस्ट करता है तो वो लाजमी डालें। बस इसमें हम ग्रीन चिली को मिक्स कर देंगे, इसको 5 मिनट पकाएंगे और इसके ऊपर धनिया डाल देंगे, और हमारी रेसिपी तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कैसी बनी आप लोगों की। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।